गाइस एज अ फॉरवर्ड प्लेयर आपको पता है गोल स्कोर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और गोल सिर्फ आपको ऐसा नहीं है कि गोल के सामने से मिलेगा, अलग अलग एंगल से आपको चांस मिल सकते हैं और आपको वहां पे एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। गाइस हम ड्रिल्स इसीलिए करते हैं ताकि आप अपनी ट्रेनिंग में ऐसी चीजें एक्सरसाइज करके जो आपको मैच में काम आएंगी और अपने मैचेस में उसको यूटिलाइज करें और स्कोर करें। तो गाइस आपको ऐसी ड्रिल्स बताने वाला हूं जिससे आपको इन चीजों में कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट दिखाई देगी। इसको आप नजदीक से देखना और सीखने की कोशिश करना और अपने रूटीन में ऐड करके अपनी फिनिशिंग को इंप्रूव कर सकते हो। तो चलिए गाइस लेट्स गो। तो गाइस जो फर्स्ट ड्रिल है उसमें आपको अपने फुट का आउटसाइड वाला पार्ट यूज करके बॉल सेट करनी है एक शूटिंग अपॉर्चुनिटी के लिए, ठीक है। एक फर्स्ट टच टाइप में ये आ जाएगी, इसमें क्या होगा जैसे बॉल आई, ठीक है, आपके पास इस तरफ से, तो आप आउटसाइड ऑफ द फुट से हल्का सा अपने लिए स्पेस बनाएंगे और उसी तरह से आप लेके शॉट लेंगे। और जैसे कि आपने देखा मैंने लेफ्ट से इधर अपने स्पेस बनाया, तो मैं ट्राई करूंगा उस कॉर्नर में जो कि है टॉप लेफ्ट कॉर्नर या बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, ठीक है। और सेम तरीके से जब बॉल आप अपने राइट से राइट के आउटसाइड ऑफ द फुट से करेंगे तो आप लेफ्ट से शॉट लेंगे और टॉप या बॉटम राइट कॉर्नर में लेंगे, ठीक है। और इसका आपका टर्निंग कुछ ऐसे होगा ये। तो गाइस आपको क्या करना है, आपको फोकस रखना है जो आपको जो टच है वो हल्का सा आपको रूम में प्रोवाइड करे, क्योंकि क्या होता है जब आप बीच में हो, ठीक है, तो पीछे आपका हमेशा डिफेंडर रहेगा, तो आपको रूम क्रिएट करना है। और बाहर जाने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आपके पास बाहर बॉल आएगी ना तो कीपर भी आपका जो नियर पोस्ट है उस पर चेक करेगा, तो वहां पे आप उस वाले पोस्ट पे टारगेट करेंगे ताकि उसके पास चांस ही ना हो। नेक्स्ट ड्रिल है उसमें आपको अलग अलग एंगल से अपनी शूटिंग की प्रैक्टिस करनी है। और आपको क्या करना है, जैसे इस एंगल पे पांच एंगल आप ले सकते हो, थोड़ा सा हल्का सा लेफ्ट की तरफ, थोड़ा सा हल्का सा इधर की तरफ, थोड़ा सामने की तरफ, सेम थोड़ा उस तरफ और थोड़ा उस तरफ। उससे क्या होगा ना अलग अलग एंगल्स पे आपको शूटिंग की प्रैक्टिस होगी, और चाहे आप रिसीव करके वन टच पे इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे आप रख के कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप स्टार्टिंग में रख के करें, उसके बाद आप इसको रिसीव करके करें, ठीक है, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि हर एंगल से जब आपके पास बॉल आती है शूटिंग की अपॉर्चुनिटी बनती है तो आप उसमें हड़बड़ाए नहीं और आप कॉन्फिडेंटली उसमें शॉट ले और अपना स्कोर बना सके। तो गाइस जैसे आपने देखा ये मैंने कोन लगा लिया है और ये थोड़े से एंगल पे है, ठीक है। तो हम क्या प्रैक्टिस करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे कि इस एंगल से हम कैसे शॉट ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप थोड़ा स्टार्टिंग कर रहे हो, ठीक है, तो चाहे तो आप बॉल रख के भी कर सकते हो, पर अगर आपकी थोड़ी सी शूटिंग है, मतलब थोड़ा बहुत आपको एक्सपीरियंस है, तो आप क्या कर सकते हो, आप हल्का सा आगे ले जाके बॉल रनिंग बॉल पे कुछ की कोशिश कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको करके दिखाऊंगा। ये हमारा आ गया सेकंड एंगल, ठीक है। फर्स्ट एंगल थोड़ा सा उधर था, हम इस आर्क में मूव करेंगे धीरे धीरे इस तरफ, यानी कि अगर मेरा फेस इस तरफ है तो राइट की तरफ हम आर्क में मूव करेंगे। अब मैंने कौन थोड़ा सा और इधर मूव कर दिया है जिससे कि मेरा एंगल थोड़ा ओपन होगा और यहाँ से मैं चाहे नियर पोस्ट चाहे फार पोस्ट कहीं भी मार सकता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको करके दिखाऊंगा। अब हम थोड़ा और लेफ्ट की तरफ मूव कर गए हैं, ठीक है। अब गाइस देख सकते हो आप, गोल आपको सामने दिख रहा है, अब आपका थोड़ा ओपन स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी, यानी कि आप सामने से मार सकते हो। अब इसमें आप सेम चीज करोगे, बस थोड़ा हमने एंगल चेंज कर दिया है, ठीक है गाइस। तो आप इसमें राइट या लेफ्ट फुट कोई भी यूज कर सकते हो, और जैसा आपका वैसे आप राइट और लेफ्ट दोनों की इन चीजों पे प्रैक्टिस करोगे और अपनी इस जो आपकी शूटिंग टेक्निक है जो रनिंग बॉल के, इसको इम्प्रूव करोगे। अब हम मूव कर गए थोड़ा और लेफ्ट को, अब हम ट्राई करेंगे दूसरे एंगल से शूटिंग का, यानी कि अभी हम थे अपने लेफ्ट विंग की तरफ, अब आ गए हम राइट विंग की तरफ। तो आप देखना ये एक और एंगल आपको क्रिएट करने का चांस देगा, जिससे कि आपको हैबिट हो जाएगी कि मैच में अगर अलग एंगल से बॉल आएगी तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आप शूटिंग की प्रैक्टिस करते हो, आप सिर्फ सामने से करते हो, तो इस एक्सरसाइज से आप अलग अलग एंगल से जब ट्रेनिंग करोगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा करने वाली है। तो गाइस अब मैं मूव करते आऊँ अपने आखिरी पॉइंट पे जो है पांचवा पॉइंट, और ये सबसे छोटा एंगल मेरा राइट विंग की तरफ। अब देख लो पहले हमने कैसे उधर से शुरू किया था और हम फिर सेंटर में आए, फिर हम थोड़ा सा और मूव कर गए, फिर हम आर्क में एंड में आ गए हैं, और यहाँ पे देखा जाए तो एंगल बहुत छोटा है। और यहाँ से आप वही जो मैंने आपको बताया, चाहे आप स्टार्टिंग में रख के भी कर सकते हैं, बट अगर आपको थोड़ा और इम्प्रूवमेंट देखना है तो आप रनिंग बॉल पे ट्राई करें, और जैसा कि शूटिंग में मैंने आपको वीडियो में बताया था उस ट्यूटोरियल को जरूर देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसकी आप जब रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी शूटिंग कहीं ना कहीं इम्प्रूव होगी। आई होप आपके ड्रिल्स कहीं ना कहीं काम आएंगी, इसकी आप प्रैक्टिस करना, रूटीन में इसको ऐड करना, और अपनी फिनिशिंग कहीं ना कहीं आप इम्प्रूवमेंट देखोगे अगर आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करोगे। बस आप जो मैंने अपनी शूटिंग वाले ट्यूटोरियल में जो टिप्स बताए हैं उनको फॉलो करना, अगर आपने नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। बट गाइस प्रैक्टिस जरूर करना, स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम होगी, बट विद द टाइम आप जब इसको मैचेस में ऑब्जर्व करोगे इम्प्रूवमेंट, तो आपको बहुत खुशी होगी गाइस। और जरूर बताना वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक करना, नए हो चैनल सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं किसी और वीडियो में, पीस आउट।